नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। नई दिल्ली के जामा मस्जिद की यह तस्वीर डराने वाली है। हालांकि ईद को लेकर जब बाजारों में थोड़ी ढिलाई दी गई तो जामा मस्जिद के एरिया से जो तस्वीर आई है, इस तस्वीरों को देखकर आप एक बार फिर से डर सकते हैं। हालांकि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार भी लगातार इस मुश्किल से पार करने के लिए कल खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अब प्राइवेट हॉस्पिटलों के 20% सीटों को आरक्षित कर सकती है। लेकिन दिल्ली ने जो तस्वीर दिखाई ईद में बाजार की, वह तस्वीर डराने वाली है। एक इंच भी आपको यहां जगह नहीं दिखेगी लोगों के बीच जो ईद की खरीदारी करने के लिए निकले या ईद में बाजार को निकल गए, जबकि पहले से यह लगातार कहा जा रहा था कि कोई भी इस बार ईद नहीं मनाएगा। अगर वह मनाएगा भी तो सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ ही मनाएगा। बल्कि बार बार सोशल साइट पर या अलग अलग मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे थे कि जब मस्जिदों में नमाज नहीं तो फिर ईद की खरीदारी क्यों होगी। लेकिन दिल्ली की यह तस्वीर डराने वाली है। दिल्ली की इस तस्वीर ने एक बार फिर से बता दिया कि ईद से बड़ा इनके लिए इस बात का कोई भी डर नहीं कि कोरोना फैल सकता है। अगर आप सोचिए कि इस भीड़ में कोई भी शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला तो क्या इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब हमने मरकज की तस्वीरें देखी थी तब भी यही हाल था। तब भी लोग सुन नहीं रहे थे, मरकज के मौलाना साथ सुनने को तैयार नहीं थे, उनके साथ जो लोग वहां पे थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। और आज जब जामा मस्जिद से ये तस्वीरें आई हैं तो ये तस्वीरें फिर से डराने वाली है कि आखिर ये लोग सुन क्यों नहीं रहे। कोरोना जैसे संक्रमण वाली बीमारी से भी ये लोग अगर डर नहीं रहे तो आखिर इन्हें डर कैसे लगेगा। क्या ये घर पे रहकर अपने परिवार वालों के साथ थोड़े में ही ईद नहीं मना सकते? क्या इन्हें बाजार निकलना और इन खरीदारी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है? आप भी सोचिएगा, अगर आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश भी जरूर करिएगा। बाकी पूरे देश को ईद की मुबारकबाद।